अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। सोशल स्टडीज़ में हमने अपना जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था माय कंट्री, इसकी कल मैंने आपको रीडिंग करवाई थी यहाँ से लेके यहाँ तक की, और एक क्वेश्चन भी करवाया था आपको जो कि आपके मुल्क के नाम से रिलेटेड था। आज मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन करवाऊँगी जो कि इसी रीडिंग से रिलेटेड है। तो वो क्वेश्चन ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, Who is the founder of your country? ठीक है, Who is the founder of your country? यानी आपके मुल्क का फाउंडर कौन है, बानी कौन है? तो इसका आंसर आपने देना है कायदे आजम। ठीक है, कायदे आजम का आपने सिर्फ नाम ही लिखना है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 माय कंट्री चैप्टर नंबर 2 का, Who is the founder of your country? आपके मुल्क का फाउंडर कौन है? तो इसका जवाब आपने देना है कायदे आजम, यानी हमारे मुल्क का जो फाउंडर है वो कायदे आजम है। आपने सिर्फ इसका नाम ही लिखना है कायदे आजम। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस माय कंट्री के नाम से जो कि सेकंड चैप्टर है आपका, आपने अपनी कॉपीज पर लिख लेने हैं दोनों क्वेश्चंस, और आपने इनको बहुत अच्छी तरह लर्न करना है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह, छोटे छोटे से एक एक लफ्ज़ का है आंसर, आपने इसे लिख लेना है अपनी कॉपीज पर और याद भी कर लेना है, बाकी इंशाल्लाह फिर करवाएंगे आपको। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। आज आपने ये पढ़ा कि जो हमारे मुल्क का फाउंडर है वो कायदे आजम है। ठीक है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ योर कंट्री? कायदे आजम। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।